हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल आई स्टडी पॉइंट में। चलिए आज कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि हाल ही में आए हुए क्वेश्चन है, और इसमें जो आप लोग का क्वेश्चन इसमें एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे और क्लर्क जैसे परीक्षाओं के लिए सहायक होगी। और अगर आपके पास करंट अफेयर्स के बारे में क्वेश्चन होगा तो वो भी आप कॉमेंट में कर सकते हैं। तो इसमें जो हम लोग का आज का जो क्वेश्चन होगा, जो हाल ही में आए हुए क्वेश्चन उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि 31 जुलाई 2019 का है। तो इसमें हम लोग का जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, इसमें है कि सीईओ वर्ल्ड पत्रिका के द्वारा जारी की गई दुनिया के सबसे अधिक प्रभावशाली सीईओ की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इसमें बोल रहा है कि सबसे फर्स्ट में कौन है सीईओ की, मतलब वर्ल्ड पत्रिका के द्वारा जारी की गई लिस्ट के अनुसार बताया इसमें। तो इसका जो आप लोग का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर जो घ है, ठीक है, डगलस मैकमिलन, ये है आप लोग का आंसर, ये हो गया। तो इसमें आपका जो विस्तार से दिया हुआ है कि डगलस मैकमिलन सीईओ वर्ल्ड पत्रिका के द्वारा जारी की गई दुनिया के सबसे अधिक प्रभावशाली सीईओ की लिस्ट, वॉकमार्ट के सीईओ डगलस मैकमिलन पहले स्थान पर हैं, और इस लिस्ट में भारत के 10 सीईओ शामिल हैं, जिसमें से रिलायंस के मुकेश अंबानी, सीईओ के संजीव सिंह और ओएनजीसी के प्रमुख शशि शंकर भी शामिल हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है। निम्न में से किसने देश में विश्व स्तरीय मेडिकल शिक्षा की ऐसी प्रणाली बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। इसमें भी आप लोग के पास चार को ऑप्शन है, इसमें इसका जो आंसर है ये लोकसभा है, ठीक है। लोकसभा ने हाल ही में देश में विश्व स्तरीय मेडिकल शिक्षा की ऐसी प्रणाली बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है, और साथ ही इस विधेयक का उद्देश्य देश में मेडिकल शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त और पारदर्शी बनाना है, ठीक है। तो इसमें आप लोग का क्लियर है जो इसका आंसर है लोकसभा, यानी ये है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारत में अब कितनी ऐतिहासिक धरोहरों को अब रात 9 बजे तक जनता के लिए खोलने का फैसला किया है। मतलब इसमें से कितना जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको रात 9 बजे तक खोलने का जो मतलब फैसला किया है। तो इसमें आप लोग का है चार को ऑप्शन है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर घ जो है, ठीक है, 10 ऐतिहासिक धरोहरों को खोलने के लिए ये किया गया है। इसका उतना ज़्यादा नहीं पड़ेंगे डीपली से, ठीक है। आप लोग का जो आंसर है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष दोन कपूर राय का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो उनका जो निधन हुआ था, इसमें ऑप्शन नंबर जो बी, ठीक है, 65 वर्ष की मतलब आयु में निधन हो गया था, ये आप लोग का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, हाल ही में मैक्सिको में मतलब कितनी बार किसी ट्रांसजेंडर को मिस मैक्सिको ब्यूटी के खिताब से सम्मानित किया गया है। ट्रांसजेंडर मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसमें कितनी बार मैक्सिको में जो मैक्सिको ब्यूटी का खिताब से सम्मानित किया गया है, इसमें आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है, पहली बार ही इससे सम्मानित किया गया है, ओके। तो इसमें जो इसका अगर डीपली से जानेंगे तो देख लेते हैं कि हाल ही में मैक्सिको में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को मिस मैक्सिको ब्यूटी के खिताब से सम्मानित किया गया है। जो आयु है उनकी 27 वर्षीय इवाना केजारेस को मैक्सिको ब्यूटी के खिताब से सम्मानित किया गया है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सऊदी अरब के किंग के बड़े भाई प्रिंस वांदर बिन अब्दुल अजीज़ अल साउद का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
क्वेश्चन हम लोग को बता रहा है कि सऊदी अरब के जो किंग हैं उनके बड़े भाई का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसमें इन जो आंसर है इसका 96 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है गो 96 वर्ष में निधन हो गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उतना डिप्रेस नहीं जानेंगे इसका भी। केंद्र सरकार के द्वारा भारत के किस राज्य से 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत की गई है, मतलब ये केंद्र सरकार के द्वारा जो 7वीं आर्थिक जनगणना का शुरुआत हुआ है तो कहाँ से शुरू हुआ है। तो इसमें जो आंसर है वो त्रिपुरा से शुरू किया गया है, ये है आंसर आप लोग के पास, राइट आंसर है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं डीपली से। केंद्र सरकार के द्वारा भारत के त्रिपुरा से 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत की गई है, इसके बाद जनगणना का कार्य पुचुचेरी में किया जाएगा और अगले अगस्त तो और सितंबर महीने में अन्य राज्यों में भी जनगणना की जाएगी। तो क्लियर है ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेल मंत्रालय ने अर्जुन अवार्ड के लिए किस खिलाड़ी का नाम खारिज कर दिया है। इसमें जो खेल मंत्रालय के द्वारा कौन सा खिलाड़ी का नाम खारिज कर दिया गया है, इसमें जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी दूती चंद, ठीक है, तो ये भी क्लियर है आप लोग के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग का, नेक्स्ट में है एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली किस खिलाड़ी को यूनिसेफ भारत का पहला युवा एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, मतलब जो गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं एशियाई खेलों में, ठीक है, तो उनमें से जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हिमा दास, ऑप्शन नंबर बी, जिनको मतलब भारत का जो पहला युवा एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, मतलब हाल ही में जो किस देश के साथ जो रक्षा सहयोग समझौते में हस्ताक्षर हुए हैं, इनमें है जापान, चीन है, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार है। इसमें जो राइट आंसर है म्यांमार, जिनके साथ जो रक्षा सहयोग समझौते में हस्ताक्षर हुए हैं हाल ही में, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। तो आज इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं, नेक्स्ट में और भी करंट अफेयर्स का अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।